उसके बारे में इसको कुछ नहीं पता। बेटे ये भी ऐसे करते होंगे अपनी भाषा में, हाँ, हैं गालियां देते होंगे। क्यों भाई तुझे लगता है देर हो जाएगी कि टाइम से पहुंच जाएंगे? दे मुश्किल जीना पर तामीना। एवरीवन वेलकम बैक टू SOS। तो आज है हमारा डे 4 इन उबुद बाली और हम अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हम बहुत जल्दी उठ गए हैं क्योंकि वी आर प्लानिंग टू गो टू टेम्पुयांग। वो एक टेम्पल है, लेम्पुयांग। यार यहाँ के नाम नहीं समझ आते। लेम्पुयांग टेम्पल है, वहाँ से एक बहुत बड़ा माउंटेन दिखता है, तो इसके लिए जा रहे हैं हम। यहाँ पे वही है, जगहों पे जल्दी चले जाओ तो लेस क्राउडेड मिलता है। बाकी अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और अब हम रेस्टोरेंट एरिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ साइड पे ये छोटा सा फार्म है, बहुत ही सुंदर। सुबह यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा होता है, रात को थोड़ा डरावना भी हो जाता है। भाई ब्रेकफास्ट आ गया, फटाफट करके निकलते हैं लेम्पुयांग, क्योंकि यहाँ से दूर है वो। ये फ्रेंच टोस्ट यार हनी के साथ खाते हैं, बट टेस्टी लग रहा है, ट्राई करेंगे। ओए पपाया मीठा है, बताते हैं। आए आए। फुल मीठा भाई। हम पहली बार दोनों बाहर के देश में आए हैं, ये बड़ा मजा आता है। यहाँ पे कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं समझ नहीं आती, इस चीज का मजा बड़ा है। जैसे अभी हम कहीं जा रहे हैं, हमने पूछा कितनी देर का रास्ता है, कह रहे हाँ हाँ, एक घर पर हमने बोला 1 घंटा 20 मिनट। हाँ हाँ हाँ, अभी हम बोल रहे हैं उसके बारे में, इसको कुछ नहीं पता। बेटे ये भी ऐसे करते होंगे अपनी भाषा में, हाँ, हैं, गालियां देते होंगे। क्यों भाई तुझे लगता है देर हो जाएगी कि टाइम से पहुंच जाएंगे? दे मुश्किल जीना पर तामीना तमीना। ये इनकी एक ही पेट्रोल की कंपनी है जो पूरी बाली में चलती है, बाकी शायद इंडोनेशिया में भी यही चलती है। अब पता बाली घूम रहे हैं, सानू इधर तक ही पता लग गया है मसा मसा। हम पहुंच गए थे लेम्पुयांग टेम्पल, अब वहाँ पे नीचे हमने कैब रोकी है और वहाँ से हमने लिए ये शटल बस, मतलब वो ही आती है ऊपर। और यहाँ पे भैया बड़ी तगड़ी चढ़ा गया है, बहुत तगड़ी, मतलब ऊपर जाके है, बहुत ऊपर जाके है। यही है बाली में कि आपको बीचेस भी मिल रही हैं, आपको पहाड़ भी मिल रहे हैं, दोनों चीजों के मजे ले सकते हो आप यहाँ पे। अब ऊपर चल के फिर बाकी आपको नजारा दिखाते हैं। हम आ गए थे लेम्पुयांग टेम्पल और यहाँ पे आप देखो कि बहुत फेमस है द गेट्स ऑफ हेवन, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, आपको दिखाता हूँ ये देखो। और यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए जो लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पीछे लोग हैं, मतलब यहाँ का जो मेन देखने वाला नज़ारा है वो ये सामने है, आपको दिखाता हूँ। माउंट बतूर है ये देखो, मतलब बादल नीचे है भाई, माउंटेन ऊपर है, और ये वॉल्केनिक माउंटेन है, और ये लास्ट अभी 2017 में ही इरप्ट हुआ था। बट भाई ठीक है, आप नज़ारा इंजॉय करो। यहाँ पे लोग फोटो के लिए ये देखो कैसे बैठे हुए हैं, जैसे बंदा स्टेशन पे बैठा होता है ट्रेनों के लिए। टेंपल इससे भरा हुआ है यार, फॉर द फोटोज, बस फोटो के लिए। कह रहे 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा, बट सिर्फ फोटो के लिए यहाँ पे रुकना वर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसे गेट्स और जगह भी बने हुए हैं। हाँ पीछे माउंट बतूर का व्यू जरूर आता है, बट इतना वो नहीं है कि आप 3-3 घंटा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके चक्कर में हम और जहाँ जगह जा सकते हैं वो सब वेस्ट हो जाएगा, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। फ्रेंकली जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से बहुत अच्छा व्यू है यार, बिल्कुल और क्लियर व्यू है माउंटेन का, बहुत प्यारा है यार, बहुत ही सुंदर। अब 10-15 मिनट एक बार जरा घूम के फिर हम भी निकलेंगे भैया। अब हम अंदर तो हो आए हैं, फोटो फोटो तो खिंचवानी नहीं थी हमने, पर हमने खुद भी बहुत अच्छी फोटो खींची है, हम पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे, खुद बहुत अच्छी फोटो खींच ली है। अब हम नीचे जा रहे हैं ढलान पे, बहुत स्टीप है यार, तो आराम आराम से जा रहे हैं। और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा लहांगन स्वीट, वो भी ऐसा ही कोई फोटो स्पॉट है जहाँ से माउंटेन दिखता है। चलो चले नीचे, बस बड़ी सही है यार सच में, उसका मजा है। ये देखो जैसे टॉय ट्रेन हो गई ना, ये टॉय बस है, तो ये मजेदार एक्सपीरियंस है। बाकी ऊपर मैं कहूँगा इतना वर्थ इट नहीं था। अब अगर आपको फोटो खिंचवाने का बहुत क्रेज है, फोटो चाहिए ही चाहिए, तो यार फिर तो आप आओ इधर, आप 3-4 घंटे वेट करो फिर फोटो कराओ। लोग यहाँ 4-4 बजे से बैठे हुए हैं सुबह। हाँ अभी हमें एक बंदा मिला था साउथ इंडिया का,
वो 7:40 का आया हुआ था और उसका 11:40 पे नंबर आया लगाओ, तो कितने 4 घंटे से भाई उसके फोटो के लिए वेट करा। अब हम जहाँ पे आए हैं वहां से वो माउंट बतूर जो हमने वहां से देखा था भाई, अब यहाँ से और भी पास दिखाई दे रहा है। ये भी मतलब एक मतलब व्यू के लिए एक स्पॉट है, अच्छा व्यू आता है यहाँ से भाई। हाँ पिक्चर स्पॉट्स भी बनाए हुए हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा 1 किलोमीटर का ट्रैक है वो करके जाएंगे ऊपर, फिर वहां से देखते हैं क्या व्यू आता है। मैडम बहुत ज्यादा हाइट, हाँ, मतलब जो बहुत ज्यादा देखे थे ना ऐसा लग रहा था कि उसकी हाइट की इक्वल तक तो आ गया। हाँ, जो लैम्पुयांग टेम्पल है उससे भी ऊपर आके है ये, 10-15 मिनट का रास्ता है। हाँ बट रास्ता बड़ा भैया खतरनाक सा ही है, गाड़ी गुड़ी पे ही आप आना प्रेफर करो और वो भी हायर करके। हाँ प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपके साथ, खुद मत ड्राइव करना इधर गाड़ी और स्कूटी, खुद ना ही आओ तो बढ़िया है। भाई जो लहांगन स्वीट से व्यू है ना, मतलब सीरियसली वर्थ इट, मतलब वर्थ इट से भी ज्यादा वर्थ इट। मतलब अगर आपने आना है और आप लैम्पुयांग नहीं भी जाओगे भाई, मैं तो कहती हूँ मत जाना। मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि लैम्पुयांग आप स्किप कर सकते हो बट ये बिल्कुल स्किप मत मतलब करना। वहाँ पे सिर्फ एक वो हंडारा गेट वाली पिक्चर है, नथिंग एल्स। हाँ ये देखो यहाँ से है बिल्कुल क्लियर व्यू, तो भाई ये मिस करने वाली जगह नहीं है। ये व्यू देखने आओ भाई, मतलब ये नीचे वाला मेरा व्यू है, ऊपर वाला आपका है। हाँ, ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, बहुत कम लोग हैं, मतलब मेरे को लगता है हम टोटल शायद यहाँ पे 20-25 लोग हैं। ये रहा ओशियन व्यू और ये सामने है माउंटेन व्यू। अब हम जा रहे हैं वापसी भाई साहब, मतलब हमने सुबह का खाया हुआ था ब्रेकफास्ट आपको दिखाया था। हाँ और उसके बाद घूमने के चक्कर में ऐसे पागल हो पड़े, कुछ मतलब भूख भी लग रही अंदर से, कुछ भी नहीं खाया, छोटा मोटा चटर बटर ऐसे साथ में रखा हुआ हमने, चिप्स और क्रंचीज वगैरह बस वही खा रहे हैं। यार जब आपको ट्रैवल करने का मन करता है तो मैंने देखा भूख प्यास ऐसे सब मर जाती है, तो सही है मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अब हम निकल गए हैं लहांगन स्वीट से और हम जा रहे हैं कैंटो लैम्पो। मैं बोलने वाली थी कैंपो लैंटो, तो वो थोड़ी अलग चीज थी। वैसे तो यहाँ पे 3600 वाटरफॉल है तो हम सारी ऐसे वाटरफॉल आप सारी कवर भी नहीं कर सकते, तो देखते हैं इसका नजारा। पहुंच गई थी कैंटो लैम्पो लंबी ड्राइव करने के बाद और पहुंचते ही सिमर दिख गई। कर क्या रहा है तू? सेम है, ध्यान से देखो तो सिमर का रिश्ता है यहाँ से। वैसे अब इसका नजारा आपको अंदर जाके दिखाते हैं। इस वाटरफॉल भी बहुत ही अलग है, ये भी ओवर क्राउडेड नहीं है। ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप आराम से अंदर आके एंजॉय कर सकते हो, ज्यादा डीप नहीं है, मजेदार है। फ्रंट व्यू लेने के लिए ना आपको मतलब घोड़े से भी नीचे पानी है। हाँ हाँ, छोटी छोटी हाइट है, मेरे भी घोड़े से नीचे तक पानी है। तो अंदर तो आना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया है यार, डिनर हमने खा लिया था वही अपना देसी वारूंग, और अब ये कहती है जी मैंने क्या खाने हैं, चूरो, चूड़ी ने चूरो खाने हैं। यहाँ पे आए थे, कोई स्ट्रीट है असाई स्ट्रीट करके है, उसमें है ये मालडीटोस। आगे आगे भाई सही लग रहे हैं, टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा पहले तू खा यार, तुम तेरे को ज़्यादा चुल। मेरे को भी खिला यार, बढ़िया चीज है यार। तो हम रोटी खा के आए हैं यहाँ बाली के जनपद में। तो यहाँ की लोकल मार्केट कुछ इस तरीके से लगी हुई है, यहाँ पे अपनी लोकल चीजें बेच रहे हैं, फ्रिज मैग्नेट्स हैं, सोविनर्स हैं, बैग्स हैं, काफी क्लोज हो गई है। हम भी सोच रहे हैं कि हम कल आएंगे, ऐसे ही हम गेड़ी मारने निकले थे तो हमको दिख गई। टाइम हो गया 8:30 हो गया ना। की रिंग्स, मैक्रेम्स, ड्रीम कैचर्स, बहुत कुछ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तगड़ी बार्गेनिंग चलती है। जब हम ब्लॉग्स वगैरह देख कर आए थे तो सबने यही बोला था कि मतलब जो आपको प्राइस दिया जाए उससे हाफ द प्राइस आप कोट करना। आई एम क्लूज़।